निभा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। चार सीटों पर नेता पुत्र भी सक्रिय, पिता के लिए कर रहे प्रचार, इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, अपनी भी अगली तैयारी। अगले दो चरणों में गुना, राजगढ़, विदिशा और रतलाम में मतदान होना है। इन चारों सीटों पर कांग्रेस भाजपा के दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। चारों नेताओं के सामने अलग अलग चुनौती है। इन नेताओं के बेटे अपने पिता के चुनाव प्रचार और इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान भी संभाल रहे हैं। सबसे पहले बात गुना सीट की। इस सीट से केंद्र मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीन जिलों की 8 विधानसभाओं में फैले गुना लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। महाआर्यमन पिछले एक महीने से लोकसभा क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। पिता के लिए प्रचार की शुरुआत उन्होंने युवा संवाद कार्यक्रमों से की। आइए अब बात करते हैं राजगढ़ सीट की। यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह के लिए उनके बेटे जयवर्धन सिंह प्रचार के साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट और रणनीति बनाने के काम भी संभाल रहे हैं। जयवर्धन के कोऑर्डिनेशन में बूथ मैनेजमेंट का काम चल रहा है। जयवर्धन सिंह राघवगढ़ सीट से तीसरी बार के विधायक हैं। वे कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जयवर्धन राजगढ़ के साथ साथ गुना लोकसभा सीट पर भी प्रचार कर रहे हैं। बेटा प्रचार करने लायक है तो वो करता है, लेकिन यहाँ जो प्रचार के जो चेहरे हैं, जिन नेता पुत्रों की बात हो रही है, वो परिवारवाद के तहत बात हो रही है कि परिवारवाद को आगे बढ़ रहा है, परिवारवाद के तहत ही नेता अपने बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उसकी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता पुत्र काम कर रहे हैं जहां वो खुद राजनीतिक विरासत नहीं संभाल रहे हैं। विदिशा सीट की बात करें तो यहां से मध्य प्रदेश के चार बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट हैं। विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की टीम सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम संभाल रही है। कार्तिकेय अलग अलग गाँव में जाकर युवाओं के बीच चर्चा करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह देते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी, तब ऐसा ही माहौल था, अति आत्मविश्वास से, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म विधेयक हो गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इसी चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों में जीतेंगे और पता चला अपने आप में भी 60% की वोटिंग। रतलाम लोकसभा सीट से आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 73 साल के कांतिलाल भूरिया के चुनाव प्रचार में पूरा समय देने के लिए उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पिछले हफ्ते युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे में भी उन्होंने लिखा था कि पिता चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ प्रचार के लिए समय देना पड़ रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7